इस फॉर्मेट में मस्ट का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अ मस्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट को बतौर नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है, मस्ट को बतौर नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम मस्ट को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब हम मस्ट को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके मानी अशद जरूरी चीज के होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम मजामीन पढ़ना जरूरी है, सभी विषयों का अध्ययन करना जरूरी है, तमाम मजामीन पढ़ना जरूरी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट इज अ मस्ट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, इट इज अ मस्ट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, इट इज अ मस्ट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। तमाम मजामीन पढ़ना, तमाम मजामीन का मुताला करना जरूरी है। इसी बात को डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह भी बोल सकते हैं, टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इज अ मस्ट, टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इज अ मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ मस्ट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इज अ मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आधार कार्ड रखना जरूरी है, आधार कार्ड रखना जरूरी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट इज अ मस्ट टू हैव एन आधार कार्ड, इट इज अ मस्ट टू हैव एन आधार कार्ड। इस बात को डियर स्टूडेंट इस तरह भी बोल सकते हैं, टू हैव एन आधार कार्ड, टू हैव एन आधार कार्ड इज अ मस्ट, टू हैव एन आधार कार्ड इज अ मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तालीम हासिल करना इल्म हासिल करना जरूरी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट इज अ मस्ट टू गेट एजुकेशन, इट इज अ मस्ट टू गेट एजुकेशन, इट इज अ मस्ट टू गेट एजुकेशन, तालीम हासिल करना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, टू गेट एजुकेशन इज अ मस्ट, टू गेट एजुकेशन इज अ मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वक्त पर खाना खाना जरूरी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट इज अ मस्ट टू ईट ऑन टाइम, इट इज अ मस्ट टू ईट ऑन टाइम। इस बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं, टू ईट ऑन टाइम इज अ मस्ट, टू ईट ऑन टाइम इज अ मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं बाईं जानिब चलना जरूरी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट इज अ मस्ट टू कीप टू द लेफ्ट, इट इज अ मस्ट टू कीप टू द लेफ्ट, इट इज अ मस्ट टू कीप टू द लेफ्ट, इट इज अ मस्ट टू कीप टू द लेफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं, बाईं जानिब चलना जरूरी है, तो आपको इस बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, टू कीप टू द लेफ्ट is a must, to keep to the left is a must। Dear students, let's understand with the other examples। Dear students, अगर आप ये कहना चाहते हैं गाड़ी चलाने के लिए license जरूरी है, गाड़ी चलाने के लिए कार चलाने के लिए license जरूरी है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, इट इज अ मस्ट टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, इट इज अ मस्ट
टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ कार. अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट टू ड्राइव अ कार. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, टू ड्राइव अ कार अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट. फॉर ड्राइविंग अ कार अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट. अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट फॉर ड्राइविंग अ कार. डियर स्टूडेंट्स, आप दो चार तरीकों से एक ही बात को पेश कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उससे बहस करना जरूरी नहीं था, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, इट वॉज नॉट मस्ट टू आर्ग्यू विथ हिम. इट वॉज नॉट मस्ट टू आर्ग्यू विथ हिम. या इस तरह भी बोल सकते हैं, टू आर्ग्यू विथ हिम वॉज नॉट अ मस्ट. टू आर्ग्यू विथ हिम वॉज नॉट अ मस्ट. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, इतना ज्यादा खाना जरूरी नहीं था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट वॉज नॉट अ मस्ट. इट वॉज नॉट अ मस्ट टू ईट टू मच. इट वॉज नॉट अ मस्ट टू ईट टू मच. इसको इस तरह भी आप इस बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, टू ईट टू मच वॉज नॉट अ मस्ट. टू ईट टू मच वॉज नॉट अ मस्ट. उससे झगड़ा करना जरूरी नहीं था, तो आप इस बात को इस तरह पेश कर सकते हैं, इट वॉज नॉट अ मस्ट टू क्वारल विद हिम. इस बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं, टू क्वारल विद हिम वॉज नॉट अ मस्ट. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल्स. अगर आप ये कहना चाहते हैं, आजकल गाड़ी बाइक वगैरह जरूरी है. Nowadays a vehicle is a must. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आजकल तालीम आवश्यक है. Education आवश्यक है. तो आप इस तरह बोल सकते हैं, Nowadays education is a must. आजकल कंप्यूटर जरूरी है. Nowadays a computer is a must. आजकल मोबाइल जरूरी है. Nowadays a mobile is a must. अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि पैसा जरूरी है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, Nowadays money is a must. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आजकल समाज में एक अच्छा मकाम जरूरी है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, Nowadays a social position is a must. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आजकल नाम और शोहरत जरूरी है. Nowadays name and fame is a must. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आजकल शोहरत जरूरी है. Nowadays fame is a must. आजकल नाम जरूरी है. Nowadays name is a must. Fame is a must. Name is a must. Fame is a must. A social position is a must. Money is a must. Education is a must. Vehicle is a must. Bike is a must. Mobile is a must. Dear students, इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और असातेज़ा कराम और समाज में माशरे में जो तालीम याफ्ता अफराद हैं, उनकी रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा
सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। गुड बाय। अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Khushamdeed. Welcome. Suswagatam to the channel. Let's learn with Muhammad Yaqub. Dear students, आज हम should, must, ought to और want का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे. Sentence formula है subject plus should और must और ought to और want प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, शुड, मस्ट और टू वांट, इनके चारों के माने, चारों का मतलब होता है चाहिए, चाहिए. लेकिन चाहिए चाहिए में बहुत बड़ा फर्क होता है. डियर स्टूडेंट्स, आइए लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. डियर स्टूडेंट्स, शुड का इस्तेमाल सादी सी सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपने क्रिकेट खेलना चाहिए, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट. आपको घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, यू शुड गो होम. आपको तैरना चाहिए, यू शुड स्विम, यू शुड स्विम. सादे से सादा सादा सा मशवरा देने के लिए, सादी सी सलाह देने के लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, मस्ट का इस्तेमाल, मस्ट यानी चाहिए, मस्ट यानी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल ड्यूटी के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कानूनी फर्ज के लिए, कानूनी फर्ज के लिए, क्योंकि कानून का फर्ज है, इसमें अगर गलती हुई तो आपको सजा दी जाती है, इसलिए इट इज कॉल्ड फॉर्मल ड्यूटी. फॉर्मल ड्यूटी, कानूनी फर्ज, कानूनी फर्ज के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, क्योंकि कानून की पाबंदी करना आपका कानूनी फर्ज है, आपको कानून का पालन करना ही चाहिए, इट्स योर फॉर्मल ड्यूटी, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, आपको कानून का पालन करना ही चाहिए, तो आपको इस तरह कहना होगा, यू मस्ट ओबे द लॉज, यू मस्ट ओबे द लॉज. डियर स्टूडेंट्स, ऑट टू का इस्तेमाल, ऑट टू यानी चाहिए, ऑट टू यानी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, तो ऑट टू का इस्तेमाल मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, अखलाकी फर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू ऑट टू हेल्प द पुअर, यू ऑट टू हेल्प द पुअर. आपको बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, यू यू ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स. डियर स्टूडेंट्स, वांट का इस्तेमाल, वांट यानी चाहिए. आप फर्ज कीजिए आप मोबाइल शॉपी पर गए और शॉपकीपर ने आपसे कहा कि व्हाट डू यू वांट सर, आपको क्या चाहिए सर. आपने कहा कि मुझे एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, तो शॉपकीपर कहेंगे ओ आपको आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, यानी यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल, आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल, यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल. अब शॉपकीपर ने आपको बहुत सारे लेटेस्ट मोबाइल बताए हैं और आपने बहुत वक्त के बाद में काफी वक्त अपना भी जाया किया है और शॉपकीपर का भी, दुकानदार का भी. और जब आपने कीमत पूछे एक मोबाइल सिलेक्ट करने के बाद, शॉपकीपर ने जब उसकी कीमत 10,000 रुपये बताई और आपने वो 2,000 रुपये में मांगा, पहले तो आपने दोनों का वक्त जाये किए, फिर आपने बहुत ही कम कीमत में मोबाइल मांगा,
दुकानदार चिढ़कर आपको बोल सकता है, पहले पहले दुकानदार ने कहा कि आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, तो यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल। और अब दुकानदार क्या कहता है, आपको एक अच्छी थप्पड़ चाहिए, आपको एक जोरदार, आपको अब एक थप्पड़ चाहिए, आपको अब एक अच्छा सा चाटा चाहिए। तो इस तरह कहना होगा, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ, आपको एक अच्छी, आपको एक अच्छा चाटा चाहिए, आपको एक अच्छी थप्पड़ चाहिए, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट का इस्तेमाल करते हुए आई, यू, वी, ही, दे, शी, इट वगैरह को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंसेस बनाने की मश्क कीजिए।